अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज रियान जी एंड आई एम योर मैनेजर। हम जब लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 9th की रिव्यू कर रहे थे फोर्थ चैप्टर की, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन की सिर्फ मैं थोड़ी हिंट दूंगा, क्योंकि हमने पिछले एक्सरसाइज में वीडियोज में की हुई है, तो सिर्फ मैं आपको हिंट्स दूंगा, आप फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वैल्यू दी हुई है एक्स की, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की 3, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने हमें वैल्यू दी हुई है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की कितनी है 2, और दोनों में हमने फाइंड सेम चीज करनी है। एक बार करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और एक बार करना है हमने mx की 4 प्लस 1 ओवर x की 4। अब हम अपना एक जनरल फार्मूला लेता हूं मैं, a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला जिससे हम ये दोनों मैं देख लूंगा। देखिए तो हमारे पास जो यहां पे a है वो क्या है, फर्स्ट वैल्यू जो क्या है x स्क्वायर, और b b के हमारे पास 1 ओवर x स्क्वायर। फार्मूला अगर हम देखें फर्स्ट a a क्या लें हम यहां पे x प्लस b क्या लें 1 ओवर x होल का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आएगा a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू a प्लस बी प्लस 2ab। ये फार्मूला आ गया हमारे पास इसका। अब ये x इस x से क्रॉस तो 2 वंस आर 2, तो यहां पे हमारे पास सिंपल क्या रह गया, या नेक्स्ट स्टेप के अंदर कह रहे हैं सर मैं आपको बता रहा हूं 2 वंस आर 2, यहां सिर्फ रह गया 2। अब यहां पे हम x प्लस 1 की 3 पुट करेंगे, और हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की 2 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3 का, 3 का स्केयर लेंगे 9 आ जाएगा, फिर प्लस 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है वहां जाके नेगेटिव होगा, तो हमारे पास x स्केयर प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है ये, उसके लिए क्या करेंगे हम वैल्यू लेंगे। अब हम पहले हमने x कब, जब हमें x स्केयर फाइंड करना था, अब हम लेंगे x स्केयर क्योंकि हमें फाइंड करना है x की 4। a क्या है हमारे पास अब x का स्केयर, b क्या है 1 ओवर x का स्केयर, तो होल का स्केयर किसके इक्वल आया a का स्केयर, a क्या है x स्केयर और उसका स्केयर प्लस b का स्केयर, b क्या है 1 ओवर x स्केयर और उसका स्केयर प्लस 2 इनटू a एंड b। अब x स्केयर स्केयर का 2 को 2 2 4 ओवर 1 ओवर x की 2 2 4 प्लस इसका भी सेम होगा x स्क्वायर से क्रॉस 2 वंस आर 2, तो हमारे पास x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर होल का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा इसके। अब यहां पे भी हम x स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की वैल्यू पुट करेंगे जो हम यहां से निकाल लेंगे, यहां से जो हम निकाल लेंगे, और फिर हम इसके अंदर पुट करके x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, और प्लस 2 यहां पे प्लस का हो रहा है वहां जाके नेगेटिव का हो जाएगा। ये हो जाएगा जब हमने x प्लस 1 ओवर x करना है। अब आ गया x माइनस 1 ओवर x, तो हम अब फार्मूला ले लेंगे a माइनस b होल का स्क्वायर जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के, मतलब यहां पे क्या आ गया माइनस, जब माइनस का करना है तो यहां पे भी माइनस और 2ab और यहां पे भी माइनस, यहां पे प्लस ही रहेगा, और जब हम इसका करना है तो यहां पे भी माइनस और 2 की जगह भी माइनस, तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन दोनों में वैल्यू सेम रहेगी। क्या करना है, फार्मूले लेने हमें ओपन कर लेने, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। सिर्फ मैंने आपको हिंट्स दी है, तरीका बता दिया है, क्योंकि हम उसको पीछे कर लिया हमने। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, फार्मूले याद करना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी हमने दो वैल्यूज ही फाइंड करनी है, कोई सी भी दो। फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर मैं, वही दो a + b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, बल्कि x y है तो x y ही लेते हैं, a + b यहां लेते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। कह रहा फाइंड करके देना है आपने मुझे एक तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, एक ये फाइंड करना है और एक फाइंड करना है एक्स वाई। x की क्यूब प्लस y की क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस y इनटू x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और हमें हमारे पास b1 किस चीज की वैल्यू है, x प्लस y की, x प्लस y इसकी इक्वल है वो 5 के, और x माइनस y जो कि इक्वल है 3 के। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने पहले अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, पहले हम फाइंड करते हैं एक्स वाई, तो देखें अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में से माइनस करें, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस करते हैं सेकंड इक्वेशन के अंदर से, माइनस आ गया तमाम साइन चेंज, इसका प्लस था माइनस आ गया, इसके साथ प्लस है माइनस आ जाएगा, इसके साथ प्लस है माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब जब हमने माइनस किया एक्स प्लस वाई होल के स्केयर को माइनस किया एक्स माइनस वाई होल के स्केयर से, एक्स स्केयर एंड माइनस एक्स स्केयर ये भी क्रॉस, वाई स्केयर एंड माइनस वाई स्केयर ये भी क्रॉस, प्लस 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 टू एंड टू फोर एक्स वाई इक्वल, इस साइड में सिर्फ क्या रह गया फोर एक्स वाई। अब हम यहां से x y फाइंड कर सकते हैं x plus y की और x minus y की वैल्यू पुट करके, x plus y क्या है 5 उसका स्क्वायर माइनस x minus y क्या है 3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, 5 का स्क्वायर लें तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर लें तो 9 इज इक्वल टू 4xy, 5 का स्क्वायर है 25 से अगर हम 9 निकाल लें 16 = 4xy, x plus y as it is हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, x square plus y square शुरू में ले आते हैं फिर लिख देते हैं माइनस एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स वाई है, x plus y क्या है हमारे पास 5 into x square plus y square हमारे पास नहीं है as it is, minus x y क्या है हमारे पास 4 जब हम फाइंड आउट कर लिया। अब मैं रूम कर रहा हूं, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की, वो भी हम इन्हीं दो फार्मूला से जनरेट करेंगे, x प्लस y होल का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x। पहले हम दोनों इक्वेशन को क्या किया था सबट्रैक्ट, अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, और जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा x प्लस y होल का स्क्वायर इक्वल इस साइड को प्लस कर देंगे इक्वल उस साइड को प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर दिया इक्वल इस साइड में होल का स्क्वायर इक्वल आया x स्क्वायर एंड x स्क्वायर 1 1 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड y स्क्वायर 2y स्क्वायर सेम है साइन डिफरेंट से क्रॉस हो जाएगा। अब x plus y किसके इक्वल है 5 के, 5
5 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 किसके इक्वल है 3 के, उसका स्क्वायर यहां से 2 लेके कॉमन है तो कॉमन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 5 का स्क्वायर किया 25, 3 का स्क्वायर किया 9 इज इक्वल टू 2 * x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5 एंड 9 24 इज इक्वल टू आई हैव 2 * x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सॉरी 34। अब 2 साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आया 17 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 17 है। अब अगर इसको पुट कर लेते हैं 5 * x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आया 14 सॉरी 17 और पीछे माइनस 4 तो 5 * 17 में से माइनस 4 करें तो 13 में से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 17 माइनस 4 13 आया इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ तो हमारे पास 65 आया x की क्यूब प्लस 5 की क्यूब क्या आया 65। कोई डिफिकल्टी नहीं थी सिर्फ हमने फार्मूले देखे वहां से हमने x y का निकाल लिया इन दोनों को सबट्रैक्ट करके फिर हमने ऐड करके तो x के प्लस y के निकाल लिया उसके फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 65 और x y भी हमारे पास आ गया। तब हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस स्टूडेंट्स भूल क्या करें वीडियो को देखने के बाद जब भी कंफ्यूजन वगैरह होती है तो वो कमेंट्स में बता दिया करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 उसमें से हमें क्या है इफ पी हमें दिया है उसने 2 प्लस अंडर रूट 3 पी है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम उससे क्या पार्टिकुलर पी प्लस 1 ओवर पी फाइंड करके दें सेकंड के अंदर हमें क्या पी माइनस 1 ओवर पी फाइंड करके दें थर्ड के अंदर पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर फाइंड करके दें फोर्थ के अंदर पार्ट वन करते हैं पी प्लस 1 ओवर पी पी क्या है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 ओवर पी क्या है हमारे पास 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ओवर की फॉर्म में पाया जा रहा है इसके नीचे क्या है 1 एलसीएम लिया तो क्या आया 2 प्लस अंडर रूट 3 इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फैक्ट नहीं हुआ ऊपर इसी तरह ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 प्लस अंडर रूट 3 को जब मल्टीप्लाई किया 2 प्लस अंडर रूट 3 से ही तो 1 एंड 1 स्क्वायर हो गया प्लस इसके साथ डिवाइड किया तो 1 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 a प्लस b को बोलता स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 * a एंड b फार्मूला बन गया प्लस 1 एज इट इज ओवर 2 प्लस अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 * a एंड b प्लस 1 एज इट इज ओवर 2 का स्क्वायर है तो 4 प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट क्रॉस तो 3 प्लस 2 2s आर 4 अंडर रूट 3 एंड प्लस 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3। अब 3 एंड 1 4 4 एंड 4 8 क्या आया 8 प्लस 4 अंडर रूट 3 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू हमारे पास p प्लस 1 ओवर p। अब देखें तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है मतलब ओवर की फॉर्म में भी पाई जा रही है तो हम क्या करेंगे हम रैशनलाइज करेंगे
रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर किया। तो 8 प्लस 4 अंडर रूट 3 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसी को, उसके साथ साइन चेंज कर देंगे, माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 8 प्लस 4 अंडर रूट 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस अंडर रूट 3 के साथ ओवर, ये देखिए a प्लस b एंड a माइनस b किसकी इक्वल होता है, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वैल्यू सेम का साइन डिफरेंट है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 2 को पहले फर्स्ट वैल्यू को इग्नोर से करेंगे, 8 2 आर 16 माइनस 8 1 आर 8 अंडर रूट 3, अब हम सेकंड को सेकंड से उसके साथ करेंगे, 4 2s are 8 under root 3 minus 4 को किया 5 पे 4 1s are 4 और under root 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया under root 3 के साथ, और डिवाइड 2 का स्क्वायर ले तो 4 माइनस इसका स्क्वायर अंडर से क्रॉस तो 3। अब देखें प्लस माइनस एंड प्लस एंड माइनस और साइन वैल्यू सेम क्रॉस, तो क्या यार 16 माइनस 4 इनटू अंडर अंडर से क्रॉस तो केला 3 आ गया और 4 से 3 1 तो 16 माइनस 4 3 इज 12, 6 से 12 निकालें तो 4, ये हमारे पास p प्लस 1 ओवर p हमारे पास गया 4। इसी तरह हम p माइनस 1 ओवर p कर लेंगे, ठीक है, और फिर जब हमारे पास p माइनस 1 ओवर p भी आ जाएगा, p प्लस 1 ओवर p भी है, थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ मैं बाकी स्टेप से भी आपको थोड़े से समझा दूं, जब हमारे पास p प्लस 1 ओवर p भी है, जब मैंने फाइंड कर लिया मैंने p माइनस 1 ओवर p अपने ऐसे ही फाइंड करना है, बस पीछे माइनस आ जाने, और देखिए अब जब आप इन दोनों वैल्यूज का स्केल लेंगे, यहां मैं क्वेश्चन नंबर 3 से जाने लगा, उसका पार्ट नंबर 3 a प्लस बी होल का स्केयर किसके इक्वल है, a प्लस बी होल का स्केयर किसके इक्वल है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, a का स्केयर फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस 2a टू फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। अब ये देखिए क्रॉस हो रहे हैं, क्रॉस कर देंगे 2 1 2 तो ये फिर क्या रहेगा, सिर्फ यहां पे 2 ही आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर माइनस 2 इनटू करेंगे तो क्रॉस होने पे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो p प्लस 1 ओवर p होल के स्केयर को हमने ऐड कर दिया p माइनस 1 ओवर p होल के स्केयर में, तो इज इक्वल टू आया p एंड p 2p स्केयर प्लस 1 ओवर p एंड 1 ओवर p 2 1 ओवर p स्केयर और ये क्रॉस। ओके क्लास, अब हम यहां हमारे पास p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू भी है जो हमने भी फाइंड की, और p माइनस 1 ओवर p की भी हमने फाइंड कर लेनी है, पुट करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं तो p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर लेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर आ जाएगा, पार्ट 3। अब अगर हम देखें इसका लास्ट पार्ट वो क्या है, सिर्फ हमारे पहले दो पार्ट्स ही फाइंड करने पड़ने हैं, लास्ट टू पार्ट्स से पहले पुट कर लिए, वो क्या है हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसकी इक्वल होता है a प्लस b इनटू a माइनस b, मतलब फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और एक बार फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, p प्लस 1 ओवर b हमने भी फाइंड कर लिया, p माइनस 1 ओवर b हमने फाइंड कर लिया, इधर को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास फोर्थ पार्ट भी आ जाएगा, इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह ही है, तो हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और साथ क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।